कैसे हुआ था नंबर एक्सचेंज पहली बार, आप बताएं कि आप कभी मिले कि नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना है कि छोटू आपके फादर को लेकर के बाइक में घुमाया करता था, आखिर में वो 2 बजे ही क्यों आपसे शादी की बात करने आया। तो आपने एक बार क्यों नहीं कहा सब अपने पापा से, अपनी मम्मी से कि मैं शादी छोटू से करूंगी। तुम रहोगी यहाँ? तुमने देखा है क्या तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो करंट लगा रहे थे उसको? तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? करना चाहते हैं मेरी तरफ देखो, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं मीडिया से हूँ, लेकिन मैं आपको, मैं खुद कैपेबल हूँ आपके लिए लड़ने के लिए। स्ट्रांग है ये लेडी, जो अपना आंचल, अपना आंचल को का आंसू पोंछ करके इसके आंसू को पोंछ रही है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि एक माँ अपना बेटा को खोने के बावजूद भी वो उसकी प्रेमिका का मान सम्मान कर रहा है। को खोकर भी एक माँ पाली है, और वो एक माँ, आपको तो माँ मिल गई ना? माँ तो मिल गई, आपको माँ मिली है। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो, इधर देखो मेरी तरफ देखो। आप ऐसे करिएगा ना तो फिर आप ना जो मीडिया आपके बारे में गलत बोल रहे हैं वो आपके बारे में गलत बोलते चले जाएंगे। लोगों का कहना है आप जाती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, मैं देख रही थी इसीलिए हम चले आए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाटक कर रही है, वो गिर जाती है जानबूझ के कि पानी फेंकता है इसलिए कि, लेकिन हम देख रहे हैं इस बात से। देखिए तो आप उस मीडिया को जवाब दीजिए कि हम बेहोश होने का कारण ये, मेरी जो सुई लगी हुई है ये इस बात का सबूत है कि मेरे अंदर जो सुई लगी हुई है, जो पानी चढ़ रहा है, ये गलत नहीं है, ये सही है। कोई बच्चा अगर 19 दिन से खाना सही में नहीं खाए तो उसकी स्थिति ऐसी ही होगी। होगा कोई नहीं आएगा आपके पास, ये मीडिया कम हो जाएगी, ये भीड़ कम हो जाएगी, फिर आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे। एक इंटरव्यू हम देखे हैं और ऐसे दूसरे इंटरव्यू में हम देखे, आपने कहा कि भाभी बुलाई थी, तो कौन बुलाया था सही तौर पर? देखिए मेरा उस रोज एग्जाम चल रहा था, 8वां का लास्ट एग्जाम था, उसी रोज हम उठे 2 बजे पढ़ने के लिए। रात में नहीं पढ़ते थे, परेशानी भर दिन होते थे, रात में सो गए थे, सोचे क्या जगते हैं पढ़ लेंगे, इसके बाद कुछ याद हो जाएगा जाएंगे। ऐसे वहाँ पे गए ना तो वहाँ पे था, तुम बोले आप यहाँ, तुम बोले कि देखो हमको भाभी बुलाई, हम बोले कि कब बुलाए हैं, तुम बोले कि देखो कॉल किए थे, हम बोले कि भाभी कॉल किए थे, बोले हाँ, बोले कब किए थे, बोले कि छो, हम बोले, वो बोले कि एग्जाम में कॉल किए थे, बोले हमको कहाँ बताया आपकी कॉल किया है, भाभी बुलाई है तो काहे आए, भाभी काहे बुलाई, तो बोले कि शादी करने के मकसद से, बोले कभी शादी होता है, चले जाइए अब शादी रही, साजिश और कुछ का रची होगी, चले जाइए आप यहाँ से। तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बोले आप नहीं जाइएगा तो हम जाते हैं, हम पढ़ाई आज मेरा एग्जाम है, हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम जाते हैं। तो बोले कि ऐसे नहीं कुछ बोले, हम वहाँ से चल दिए, वहाँ जैसे चले वहाँ पर भैया आ गए तुरंत, जैसे एक डेग भी नहीं हम किए होंगे, उधर से भैया आए तो उधर ऐसे हम चल दिए, तो हम आंगन में गए तो भैया उसको फिर पकड़ के लेके गए, भैया पकड़ के लेके गए आंगन में, मारने उसको पकड़ लिए, पूरा मारने लगे, तो हम भैया को बोले कि छोड़ दीजिए भैया, मत मारिए इसको, छोड़ दीजिए। तब वो नहीं कुछ बोले, मेरी बात नहीं सुने, हम इतने तो बोलते रहे, तब तक हम बोले क्या भाभी को कि जाइए बाबा को बुलाइए, तब इसके बाद गए वो बाबा को बुलाने, बाबा आए आंगन में, बाबा भी पकड़ के दोनों को रूम में बंद कर दिए, बाबा भैया सब सब मिल के भाभी सब इस रूम में उसको बंद कर दिए। इसके बाद जो है उसको मारे पीटे, मारने लगे, हम सोचे हम क्या करेंगे अब, मोबाइल भी मेरा छीन लिए थे भैया, हम सोचे अब क्या करेंगे, हम अब कुछ फुरवे नहीं कर रहा था हमको। हम गए तो मामा, उसका ननिहाल है गाँव में, हम गए वो मामा के यहाँ के, हम सोचे क्या मामा को बोलेंगे ना, तो मामा कुछ ना आएंगे आदमी सबको बुला करके तो वहाँ पे उसको बचाएंगे। अच्छा, जब छोटू को आपके भैया जब पकड़ करके ले गए तो सिर्फ भैया ही थे कि और भी लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे अकेले, मतलब भैया अकेले थे वहाँ पे। भाभी और आपका रिलेशन कैसा था, रिश्ता कैसा था, आप दोनों के बीच में कैसा संबंध था? संबंध तो ननद भौजा का संबंध जानवे करते नहीं, नहीं कैसा था, होता है कुछ ननद भौजाई में बहुत अच्छा संबंध होता है, सहेली की तरह होती है, कुछ में होता है काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए उसमें ऐसे था कि मतलब ऊपर ऊपर अच्छे थे वो, भीतर से बहुत हमको ऐसे एलर्जी करते थे, कोई आदमी
में सब आते थे तो उसको मेरे बारे में ऐसे दिशदर बोलते थे, लेकिन मेरे पास ऐसे बोलते थे, लेकिन आदमी तो सच्चाई आंगन में रहते हैं तो पता लग ही जाता है कि कैसा आदमी है। भाभी को कैसे पता चला था आपके और छोटू के बारे में? क्या वो मतलब क्या दोनों का रिश्ता जो था उसके पहले वो ऐसे पूछे थे ना, ऐसे बात करते करते जब आई थी ना 2 साल पहले, मतलब जिस शुरुआतें हुआ था तो ऐसे बोले कि हम सोचे क्या आंगन में रहते हैं तो भौजाई की ननद भौजाई में एक रिश्ता होता है, एक मेल रहता है तो बता देते हैं, तो बोल वो वही बोले क्या कि देखिए आप बताइएगा ना तो हम करवा देंगे, मम्मी पापा नहीं करवाएंगे तो हम करवाएंगे, हम बोल के करवाएंगे, हम घर का गार्जियन हो गए ना, तो बोले ठीक है बता देते हैं, हम सारा बात उसको बता दिए, वो अपना खेल रचने लगे। आप जब जानती थी आपकी भाभी आपके साथ गलत कर रही हैं तो आप उसको अपना मोबाइल क्यों देती थी? वो बोलने लगती थी, हम सोचे क्या वो ऐसे करके लेती थी क्या कि हमको पता नहीं चले, कि हमको क्या पता उसको कॉल करते हैं कि नहीं करते, छोटू भी हमको नहीं बोलते थे कि कॉल करते हैं उसको, क्या पता आंगन में रहने से कोई किसी का मजबूरी या क्या टेंशन हो जाता था, कोई बात हो जाता था कि दीजिए मोबाइल हम बात करेंगे तो क्या नहीं देते। अच्छा, नंबर जब एक्सचेंज हुआ कैसे हुआ था नंबर एक्सचेंज पहली बार? वो जो है ना उसका ऐसे मतलब पहले बहुत एक अथी से उनको कर रहे थे एक्सेप्ट, हम लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में हुआ कि उसका मामा का बेटा जो है वही ऐसे मतलब करवाए कि उसका मामा का बेटा मेरे यहाँ जाते आते थे, कि ये तो गांव समाज जे छे वो तो पैनी नजर रखै छे कि केकर बेटी केकर साथ घूम रहल छे, केकर बेटी की कहै छे, कनफुसकी गांव में जल्दी भए जाए छे। आप में और छोटू में बातचीत होता था, वीडियो कॉल भी होता था, तो घर के लोगों में कभी इस को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ? होता था, हुआ था। तो फिर आपने छोटू को कहा कि भाई तुम्हारे फोन आने से या वीडियो कॉल आने से झगड़ा होता है तो हम लोग कम मिले? हम उसको बोले थे कि आप देखिए आपका जो है कॉल आता है तो यहाँ पे सब बोलते हैं, हम उतना बात नहीं कर पाएंगे, बोले कि नहीं करेगी तो हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे होते होते तो प्यार तो जानवे करते अंधा होवे करता है, उसको कितनों हम रोकने का कोशिश किए नहीं रुका। आप बताइए कि आप कभी मिले कि नहीं मिले, आपकी मुलाकात उससे हुई या नहीं हुई? पहली बार हुई तो कहाँ हुई? देखिए ऐसे मुलाकात होते रहते थे उससे, वो उसका ननिहाल वहाँ था तो मुलाकात होते रहते थे, जाते आते थे, हम कहीं जाते थे तो उसको जब पता लग जाता था तो चले जाते थे। बैंक वो हम गए इधर बैंक जब जाते थे उस जीविका में काम करते थे तो चले जाता था वहाँ पे, लेकिन हम उसे हकीकत में ऐसे नहीं मिले। आदमी तो सब बैंक में मिल जाता था, एक दूसरे से बातें हो जाती थी, इसी से आप कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छोटू आपके फादर को लेकर के बाइक में घुमाया करता था, क्या ये सच है? एक गलत बात है, उससे पहले हम लोग का प्यार से पहले ऐसे घर में जाते थे, वो मेरा भाई कैसे फ्रेंड तरफ में माई मेरा भाई भी उसका एग्जाम दिला के लाए हैं। आखिर में वो 2 बजे ही क्यों आपसे शादी की बात करने आया? देखिए 2 बजे में क्या, अब क्या पता हमको कि 2 ही बजे में वहाँ था क्या, उसका ननिहाल था, वो सवेरे गए थे वहाँ पे, अब सामने से था कि कब उसको भाभी बताए कि भाभी नहीं है कॉल की, ये कॉले की तो हमको नहीं था पता। 2 बजे रात में शादी नहीं होती, वही ना उसको हम बोले, हम तभी बोले उसको कि आप आए तो आए, 2 बजे रात में आए क्यों शादी, अभी जब भाभी बुलाई थी आपको कॉल पे कॉल की थी भाभी तो पहले आते, शाम में आते, किसी को लेके आते, अभी क्यों आए हैं? प्रेमी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती है कि वो शादी का बात, वो खुद लड़का है, 22 साल का लड़का है, अब वो उस समय आएगा तो बट नेचुरल है कि फैमिली को अगर पता भी है ना तो वो नहीं बोलेगा कि हमको पता है। पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? पुलिस को मेरा माइंड ही काम नहीं किया। आप कहाँ गई थी जहाँ से आपकी मुलाकात छोटू से और आपकी हुई थी? जैसे कि हम मतलब आए तो टॉयलेट करने आए थे हम। अच्छा। वहाँ पे थे टॉयलेट करने आए तो हम उसको जैसे देखे ना तो वहाँ पे खड़े थे, वो मेरा पढ़ाई उस जो एग्ज़ाम था तो हम सोचे जाते हैं फ्रेश व्रेश होके आएंगे इसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो हम जैसे गए तो उसको देखे तो वहाँ पे, तब बोले ना आपको उसको देखे तो उसको हम बोले कि आप यहाँ क्यों, तो बोले कि हमको भाभी बुलाई है कॉल करके, हम बोले कब कॉल किए थे, तो बोले शाम में, हम बोले शाम में कॉल किए तो शाम में आते, 2 बजे रात में क्यों आए, तो बोले शादी करवा, बोले कि भाभी शादी करवाएंगे, तो बोले हम बोले दिमाग खराब आपका, नशा उसा करके आए क्या, ज़्यादा बात भी नहीं किए कि आप काहे आए, उसको इतना तो बोले आप यहाँ क्यों आए, तो बोले शादी करने के लिए हमको भाभी बुलाई है। ठीक है, उस दिन आपके घर में कौन कौन था? उस दिन घर में थे कोई भाभी भैया ऐसे रिलेशन का मतलब रिलेशन का कोई नहीं थे, जितना आदमी थे उतने आदमी थे। कौन रहते थे आपके? भाभी थे, दादी थे, हम थे, मेरा दोनों भाई था,
वो भैया थे, तीनों भाई थे पापा मम्मी। तो क्या आपके जीजा जी फिर कब आ गए? सुबह में उसको जैसे पकड़ के रूम में किया ना, तो ऐसे उसको मारे पीटे पहले पापा भैया। अच्छा। उसको रूम में मारे, इसके बाद थोड़ा देर के हम उसको मामा को बुलाने गए, मामा नहीं आए तो हम रूम में चले, उसको वहाँ पे बैठे हम थोड़ा देर इधर उधर तो किए। रूम में बंद नहीं किया वो लोग? किए बाद में किए, जैसे कि सुनिए ना, वो जैसे हम उसको रूम में बंद किया, मामा को बुलाने गए तुरंत, इधर उधर कर रहे थे भैया भैया पापा सब रूम में थे, तो हम गए इधर मामा को बुलाने, मामा नहीं आए, तो मेरा मोबाइल छीन लिया था, फेंक दिया था बरंडा पे, तो हम गए मोबाइल लिए, इसके बाद कॉल किए कि हम सोचे कि मामा नहीं आते हैं, पापा को कॉल करेंगे ना तो पापा सब आएंगे बचाएंगे, तो इसको यहाँ यहाँ पे पापा को कॉल किया, मन्नू भैया को कॉल किया, कॉल करने के बाद इतना तो कॉल किए, तो फिर जो है कॉल करके हम बता दिए, तो पापा अपना मोबाइल से मेरा मोबाइल पर कॉल करते कि कहीं बिजी ना हो, वो कॉल किए तो आके देखे तो बिजी थे, तो मोबाइल छीन लिए फिर हमको, फिर रूम में बंद करके हमको भी को दोनों मारे। तो आपने एक बार क्यों नहीं कहा सब अपने पापा से, अपनी मम्मी से कि मैं शादी छोटू से करूंगी? अगर आप ये बात उस दिन कह दिए होते, चलो आप मार खा लेती, लेकिन आज जो ये दिन है वो तो नहीं आता। वो नहीं आते, देखिए हम सोचे कि अभी क्या करेंगे, अभी हम भी नाजुक हैं, वो भी नाजुक हैं, कुछ करेंगे आगे बढ़ेंगे तब शादी करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाली स्थिति मेरा बहुत ख़राब होगा, इसलिए हम सोच के नहीं बोले थे, और सोचे अभी भी शादी नहीं करवाएंगे, सबसे हम छोटे थे, हम सोचे इधर उधर काम करते हैं, वो भी उसका भी ऐसे आशीर्वाद वाला में ज्वाइनिंग हुआ था, हम सोचे रुपया बढ़ेगा अपने पैसे से, अपने दोनों आदमी करेंगे अच्छा से करेंगे, समय आने पर लिखा हुआ होगा तो वहाँ होवे करेगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि ये छोटू का मामला अब बहुत हो गया, फिर आपको एक समय आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, तो क्या आप इनसे राय लेंगी या खुद अपना डिसीजन लेंगी? हम दोनों से करेंगे, इससे भी राय लेंगे, हम अपना भी डिसीजन लेंगे। देखिए इससे हमको मतलब इतना हमको समझाएंगे इसको कि ऐसे हमको चलना है, ऐसे करना है, डिसीजन देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ नहीं होते तक केकरो कोख गुजर गेले इसी से, आज आप यहाँ हैं, आपको प्यार मिल रहा है इस वजह से, चूँकि उनको लगता है कि छोटू के रूप में आप मिली उनको। कब तक ऐसे दायित्व चलते ये बताब, हाँ तुम रहोगी यहाँ? हम नहीं। तुमने देखा है क्या तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो करंट लगा रहे थे उसको, पीछे से गए थे वो। आंटी एक सबसे अहम और आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, जैसा कि बहुत सारे चैनल्स पे आपकी माँ, आपकी दादी और आपके भाई भी कहे हैं कि आप दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखे थे, आपत्तिजनक हालत में देखे थे, इसीलिए वो लोग इतना गुस्सा आ गए थे और गुस्साने के बाद उस तरीके से उसकी हत्या। नहीं, एक गलत बात है, एक गलत बात है जी। हर तरफ ये हल मतलब मीडिया पर आ रहा है और आपकी माँ खुद इस चीज़ से अग्री कर रही हैं, आपकी दादी खुद इस चीज़ को कह रही हैं, आपका भाई खुद इस चीज़ को कह रहा है। नहीं, गलत बात है, ये गलत गलत बात है। तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? करना चाहते हैं बस ऑफिस को गला लगा दीजिए, बस हो गया, हम चाहते हैं गला लगा के इसको जिंदगी का करिए। बच्चे बेटी बहुत नाजुक होती है, लोगों को ये बात पता नहीं होता है कि बेटी से ज्यादा नाजुक दिल किसी का नहीं होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा जगह दे देंगी ना तो ये सारा जीवन आपको दे देगी। तो आज हमारी देसवा की टीम पहुंची है आरती के पास और आरती से जो भी बातचीत की आपने देखा किस तरीके से आरती से बातचीत की गई, और देसवा न्यूज़ उस चीज़ की कामना करता है कि आरती को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। देसवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।